शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बिहार के सचिव अब्दुल कयूम अंसारी ने बेगूसराय जिले में टीकाकरण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कहा कि 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीन का टारगेट पूरा किया जाएगा। सर्किट हाउस में टीकाकरण मुहैया को लेकर एक अहम बैठक की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टीकाकरण मुहिम में शामिल होकर कोरोना जैसे महामारी को दूर करें। बैनर तले कोचिंग से उर्दू अनुवादक के प्रारंभिक शिक्षा में 10 से ज़्यादा उम्मीदवार की कामयाबी को लेकर अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने अवगत कराए, जिससे के बाद अध्यक्ष उर्दू अनुवादक के प्रारंभिक शिक्षा के सफल उम्मीदवारों और बेगूसराय में अंजुमन ए उर्दू के टीम को बधाई दी। पाकिस्तान और पूरे दुनिया के अंदर कोविड की वजह से कितने मौत हुए हैं, उसके रोकथाम के लिए कोविड वैक्सीनेशन का एक अहमियत है। तो उसके तहत जनाब नीतीश कुमार जी ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का हदफ रखा गया। उसी को पूरा करने के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने कोविड वैक्सीनेशन वाहन जारी किया है। 15 तारीख को मोतिहारी से इसको रवाना किया गया और मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा होते हुए सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, उसके बाद से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, तमाम अजला में घूमकर अभी आज की मैं फिर पटना से शुरू किया हूँ। अभी हम बेगूसराय, खगड़िया, बांका, इन तमाम अजला में जाएंगे और पूरे बिहार में जाएंगे, ताकि ये 20% आबादी अकलियतों की है, अगर ये टीका से अलग रह गए तो हदफ जो रखा गया है 6 करोड़ 6 महीने में पूरा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे अफवाहें चली, जिससे लोगों के अंदर जो है गलतफहमी पैदा हो गई। उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए कि ये वैक्सीनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हिंदुस्तान के बड़े बड़े रिसर्च करने वालों ने साबित किया है कि इससे किसी तरह की नुकसान हमको नहीं होगी, इम्यूनिटी हाई करने के लिए है, इससे कोई भी मामलात या कोई इस तरह की बात नहीं होगी। इसीलिए हम तमाम जिला में जा रहे हैं और मदारिस के हमारे असातिज़ा, बिहार में 4,000 मदारिस हैं, 15,000 टीचर हैं और 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मदारिस के असातिज़ा को बुलाकर हर जिला में सर्किट हाउस में उनसे मैं मीटिंग करता हूँ और उनको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि आप खुद टीका लें और अपने इलाके में जहाँ मदरसे हैं वहाँ लोगों को जाकर बेदार करें, मदरसों में टीका का कैंप लगाया जाए, ताकि जो नीतीश जी का मंशा है कि इस बीमारी से पूरे बिहार को मुक्त किया जाए, वाइज रास्ता है टीकाकरण। और आपने देखा है कि जनाब नीतीश कुमार ने मदारिस के सिलसिले में जो काम किया है, मदरसों में असातिज़ा के 7वीं शर्त तनख्वाह, मदरसों के अंदर जो है EPF लागू किया है टीचरों को, 15% नए टीचरों को तनख्वाह, मदरसा में नए निसाब तालीम के लिए यह हमने सिलेबस तैयार कराया है, और 1 से 8 तक SC/RT का बुक, 9 और 12 में फोकानिया मोली में NCERT का बुक शामिल किया गया है, और इसको बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन छपवा के तमाम मदरसों में बांटा जा रहा है। यहाँ भी किताबें बांटी जा रही हैं। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने मदरसा इस्तेहकाम मंसूबा के तहत तमाम मदरसों में, स्थानीय मदरसों में 2-2 कमरे, लेटरिन बाथरूम, पानी का इंतजाम किया गया है। उसी तरह से फोकानिया में 4-4 कमरा लेटरिन बाथरूम और मौलवी स्तर में 6 कमरा लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए अकलियती फलाह महकमा को 50 करोड़ हर साल फंड जारी किया जा रहा है। हमारे अकलियती फलाह के हमारे अफसर मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। आने वाले दिनों में तमाम मदरसों में कमरे बनाए जाएंगे, लेटरिन बाथरूम बनाए जाएंगे, पानी का इंतजाम किया जाएगा, बच्चों को बेंच टेबल दिया जाएगा। ये 20% आबादी अगर तालीम से पीछे रह जाएगी तो बिहार आगे नहीं जा सकता है। नीतीश जी का मंशा है कि इंसाफ के साथ तरक्की, तो ये अकलियत तबके जो कमज़ोर हैं, जो तालीमी एतबार से पीछे हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उन तमाम मदरसों में मिड डे मील, उनके साथ साइकिल, पोशाक, स्टाइपन और तमाम तरह के स्कीम्स मदरसों में लागू किए गए हैं, ताकि वो बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं उनको भी तमाम सहूलत दिए जाए। इसी को लेकर मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड वैक्सीनेशन अभियान मुकम्मल होगा
और तमाम लोग मिलकर कोई हर तबके से, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और इसके जरिए मैं अपील करता हूं कि कोई भी आदमी टीकाकरण जो 18 से लेकर जो उम्र ऊपर के जो उम्र के लोग हैं सब लोग टीका लें, किसी तरह के भ्रम में किसी तरह के गलतफहमी के शिकार नहीं हो। ये मेरा अपील आपके इस चैनल से।